जली जली देखो मटक मटक पनीरा पे जल पड़ी, आंखों से कितने ही दिल लल चाहे बातों से फूल जड़ी, ओ तेरे गालों की जो लाली ये दिल पे पड़ गई भारी, लगता तूने भी ठानी तेरे आगे लगता सब ही भी करे, जली जली देखो मटक मटक पनीरा पे जल पड़ी, परी लगे उड़े जब आसमां में पानी में जल परी। शान अब इस घर में नहीं रहता, इस घर को छोड़कर जा चुके हैं। कि शाजमाज ईशान को लेकर अलग हो गई है और इसी गम ने आपा को बिस्तर से लगा दिया है। माजिद का फोन आया था, अब तक बहन ने उसे यही बताया कि तुम लोग लड़ झगड़ के अलग हुए हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो खाला जान ने हमें खुद अलग किया है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो शान से पूछ लें, अब तो वो पूरे खानदान में ढिंढोरा पीटेंगे, जगह जगह जाके हमारी बातें करेंगे, हम तो कहीं आने जाने के लायक नहीं रहेंगे। मुझे तो लगा था कि आप मेरे बगैर कुछ उदास होंगी, मुझे मिस करती होंगी, लेकिन आप तो खुश हैं मेरे बगैर। अम्मी मैं इस घर से गया जरूर हूँ लेकिन मेरा हक खत्म नहीं हुआ इस घर से। कौन सा हक? कोई हक नहीं है तुम्हारा इस घर में और ना ही कोई रिश्ता हमसे, निकल जाओ। मुझे मेरा हिस्सा दे और ख़त्म कर दे ये रिश्ता। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है आप लोगों के साथ ताल्लुक रखने में। अम्मी मकसद अम्मी कैसी हैं? क्या क्या हुआ है उन्हें? आपकी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है। वो ठीक तो हो जाएंगी? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी कंडीशन तो अभी सीरियस है, बट वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट। आप दुआ करें। पेशेंट आपदा के साथ आप हैं? जी मैं। आप आए मेरे साथ कुछ पेपर साइन करवानी? जी।
जिशान, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतने गुस्से में क्यों है? मुझे बताएं वहां क्या हुआ? खाला ने क्या कहा? मैं जानती थी खाला अपनी गलती नहीं मानेंगी, उल्टा हमें ब्लेम करेंगी। अक्सर औकात लोग रिश्ते और उम्र में बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। अब हम रिश्ते खत्म तो नहीं कर सकते ना? खत्म कर आया हूँ हर रिश्ता, अब कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उन लोगों से। आप क्या कह रहे हैं जिशान? सही कह रहा हूँ मैं, सब खुश हैं हमारे बगैर, सब खुश, किसी को परवाह नहीं है हमारी। मैं ही बेवकूफ था जो ये समझ रहा था कि मैंने घर छोड़ने में जल्दबाजी की है। शायद अम्मी ने वो सब कुछ गुस्से में कह दिया होगा, उनका यह मतलब नहीं होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था, बिल्कुल गलत था, लेकिन अब मजीद ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। अगर मेरी माँ मेरे बगैर खुश है तो अल्लाह उन्हें हमेशा खुश ही रखे, मैं भी उनके बगैर जीना सीख लूंगा। मैं तो जिशान को एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का समझता था। इतनी छोटी सी बात पे घर छोड़कर जाना सरासर हमाकत की है उसने। आपके लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन उसके लिए ये छोटी बात नहीं थी। भाई, जवान औलाद से बात करने का कोई सलीका तरीका होता है? आपा ने भी तो ऐसे तड़ाफ करके कह दिया कि घर से निकल जाओ। जवान बच्चा है भाई, जोश आ गया, निकल गया घर से। आपा को भी तो घर की इज्जत का ऐसा तमाशा नहीं बनाना चाहिए था ना? आजकल के बच्चे सोचते हैं कि इस फैसले के बाद क्या होगा, माँ बाप पे क्या गुजरेगी। सबकी छोड़े, अपनी बेटी की मिसाल ले लें। उसने सोचा हमारे बारे में कुछ, कैसी बेइज्जती करवाई हमारी लड़की वालों के सामने। देखो, जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है। हो सकता है वहां दायम का जोड़ी ना लिखा हो, तुम कहीं और बात चलाओ। माफ कर दे मुझे, बस मैं कहीं बात नहीं करूंगी। मैं माँ हूँ, आपसे ज्यादा जानती हूँ मैं अपने बेटे को। मुझे अच्छी तरह से पता था कि उसकी शादी कहीं हो भी जाएगी ना तो वो किसी की बच्ची को नहीं बसाएगा। इसीलिए मैं इस मामले को टाले जा रही थी, लेकिन नहीं, आपको तो शौक था अपने बच्चे के सर पे सेहरा देखने का, भुगत लिया हमने। मैंने देख ली कोई लड़की वड़की बसियत है, एक दफा मैंने बेइज्जती करवा ली, बहुत, दोबारा नहीं करवानी। याला, प्लीज मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? प्लीज याला, प्लीज मेरी अम्मी को ठीक कर दो। प्लीज याला, प्लीज। चुप करो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। चुप। भाभी, अम्मी को तो कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएगी, बहन के बगैर नहीं रह सकती। तू बस दुआ करो उनके लिए, उन्हें इस वक्त दुआओं की जरूरत है। ठीक हो जाएंगी ना? सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। आपके बदर की जो कंडीशन है उसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब दुआ करें कोई मौजा हो जाए।
अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे घर से। कोई हक नहीं है तुम्हारा इसका और ना ही कोई रिश्ता हमसे। निकल जाओ। ज़िशान, ज़िशान, खाना लगवा दिया कि खाना खा नहीं है मुझे, तुम खा लो। आप अभी तक उन्हीं सोचों में गुम हैं। बस करते सारा दिन हो गया, अब आप कमरे से बाहर भी नहीं निकले। क्या फायदा अपने आप को इस तरह से स्ट्रेस देने का? आप तो इस तरह से अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। उठे खाना खाए, उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता शाहजमा, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। ठीक है, हम बात नहीं करते, आके खाओ। मुझे नहीं खाना, तो प्लीज जाओ यहाँ से। और ये टेबल पर मेरा फोन रखा है, इसे चार्ज पर लगा दो। और लाइट ऑफ कर देना। कैसी तो बेहतर है मम्मी की, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मम्मी जा रही हैं अमरी। क्या कह रहे हैं आप? हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे रोक। कैसे कहूं उनसे कि मत चाहे उन्हें छोड़। आपके बगैर हमें रहने की आदत नहीं। इंसान के लिए सबसे ज्यादा बेबसी का वक्त वो होता है अमरीन, जब वो अपने शहरों को अपनी आंखों के सामने जाता देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता। अफान प्लीज हिम्मत करें, संभालें खुद को। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हरीम को कौन संभालेगा? प्लीज उसे कुछ बात बताना, वो कहाँ है? वो प्रेयर रूम में छोड़ कर आई हूँ, रो रो कर इतनी बुरी हालत हो गई है उसके। कैसे संभालूंगा मैं उसको, उसे तो अम्मी के बगैर रहने की आदत ही नहीं। किसे फोन कर रहे? ईशान को फोन कर रहा हूं, उसका फोन बंद। तो शाजमा को कर ले। मैं नफरत करती हूँ उससे, बेतहाशा नफरत। उसके चेहरे से, उसके नाम से, उसके वजूद से नफरत है मुझे। ये अफान भाई मुझे क्यों कॉल कर रहे? जरूर बातें सुनाने के लिए कॉल कर रहा हूँ। अपना मूड खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं। क्या हुआ, नहीं उठा रही? मैं
चाय आ गई। दुवीर पता नहीं क्या बात है, हिरंदल रात से बहुत बेचैन है। मुझे लगता है कि दायम की हरकत को तुमने अपने दिल पे कुछ ज्यादा ही ले लिया। चाय पियो। इस वक्त किसकी कॉल आ गई? माजिद का फोन है। जब भाई का फोन इस वक्त क्यों? खैरियत, उठाए ना जल्दी। सलाम अलैकुम माजिद, कैसे हो? कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में? कौन? अच्छा ठीक है, हम फौरन पहुंचते हैं। ठीक है, क्या हुआ, कौन है, हॉस्पिटल में क्या हुआ है? वो आपदा बहन हॉस्पिटल में है। माजिद के पास अरफान का फोन आया था, उनकी कंडीशन सीरियस है। अल्लाह खैर, क्या हो गया आप को? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, वही क्या हो गया रात रात? अब ये तो वहीं जाके मालूम होगा, माजिद खुद भी काफी परेशान लग रहा था। तुम जल्दी से उठो, मैं दायम को उठा के आता हूँ। बुलाए ना दायम को, बुलाए दायम को, बुलाए, चले। आपका बैग। फोन। जिशान, मैं सोच रही हूँ आज शाम हम शॉपिंग पे चले और डिनर भी बाहर कर लेंगे। कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, और आपका मूड भी बेहतर हो जाएगा। तुमसे किसने कहा कि मेरा मूड ऑफ है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मूड अगर बिल्कुल ठीक है तो मेरे लिए चले ना, मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज। फिलहाल तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे निकलना है। फोन चार्ज नहीं किया था मेरा, भूल गई, अभी लगा दे। नहीं, मैंने तो ऑफिस में कर लूंगा। शाम को टाइम पे आइएगा, वेट करूंगी। एक बात याद रखना कमल, ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है, उसी ने अब आपको मौत की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया है। कुछ नहीं करे भाईजान, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? और शाजमा आपा की दुश्मन नहीं है, क्यों ऐसे छोटे मोटे इख्तलाफात तो हो ही जाते हैं ना। छोटे मोटे? अगर ये बात इतनी छोटी मोटी थी, कहाँ है दोनों, कहाँ है ईशान और शाजमा इस वक्त, यहाँ पे क्यों नहीं है? उसने आपका की अजीज तरीन औलाद को उनसे दूर कर दिया, इस बात का एहसास है शाजमा को या नहीं है? बस करें माजिद, ये कोई वक्त है गिले शिकवे करने का? खुद को संभाले। सॉरी यार, मैं एक मीटिंग में था। सब खैरियत है? आला जान हॉस्पिटल में है जीशान। क्या हुआ है अम्मी को? अफान यहाँ के डॉक्टर्स कुछ होप नहीं दिला रहे काला जान के लिए, मुझे लगता है हमें किसी से कहीं और ले जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं, हमने रिपोर्ट्स और हॉस्पिटल से अभी शेयर किए, कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स किए। इनसे करना करो मेरे भाई, हौसला रखो, वो ऊपर वाली जात मुआवजा करने पर कादिर है।
तुमने जिशान को इन्फॉर्म कर दी? मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर फिर उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। शाहजमा भी मेरा फोन ले रहा। दाई, शाहजमा मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो मेरा फोन ना उठाए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खुदारों खास तो उन लोगों के साथ कोई हादसा ही ना हो गया हो। तुम जाओ था जाकर देखो, ले आओ उसको। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं देख कर आता हूँ। दाइम, जितनी जल्दी हो सके उसे याद। तो शान का भी यहाँ होना बहुत जरूरी। मैं नहीं चाहता कल उसे किसी बात पे अफसोस हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई, यहाँ तो मुकाबला चल रहा है। हाँ भाई, हरी मुझे बता रही थी कि तुम दोनों भाई मिलकर इसे बहुत तंग किया करते थे। अरे भाभी, आप इसकी बातों में मत आइएगा। इसे खेलना मेलना आता नहीं है और जैसे ही हारने लगती है ना, रोना शुरू कर देती है और इल्जाम हम पे लगाती है। देखा भाभी, मैं आपसे क्या कह रही थी, ये हमेशा इसी तरह एक हो जाते हैं। चले भाई, तो फिर हो जाए एक गेम, देखते कौन जीतता है कौन हारता है। भाइयों के दरमियान जो दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता होता है वो बहुत खास होता है। उसमें ना थैंक्स की गुंजाइश होती है ना ही सॉरी की। मैं भी सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। मेरी दुआ है कि हमारे बीच की ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे और आइंदा अब इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान ना। क्या बात है, परेशान से लग रहे हो। शाजमा भी बुरे मूड में अंदर गई है। उसे लेकर अलग घर में शिफ्ट नहीं हुआ ना, बस इसी बात पर अब तक नाराज है मुझसे। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो ही जाएगी। पता नहीं कब आएगा वो दिन, मेरी जिंदगी में आएगा भी या नहीं। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बेटा, ऐसे नहीं कहती। इंसान को हमेशा पूरी उम्मीद रहना चाहिए। सर, वो जिसके साथ आपकी मीटिंग थी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जाए, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। अपना देखो फोन ही भूल गई, इतनी कॉल्स। अरीन ने क्या मैसेज किया? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है शाजमा भाभी, वो हॉस्पिटल में है। आप प्लीज़ जिशान भाई को फौरन इन्फॉर्म कर दें। हम उन्हें कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका नंबर बंद है। प्लीज़ उनसे कहें कि अम्मी से आके मिल ले। वही पुराने बहाने इनके। हेलो शाजमा, आखिर कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन कर रही हो, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कभी तो वक्त पे फोन उठाया करो।
क्या हो गया अम्मी? सांस ले, ऐसे कौन सी कयामत आ गई है? फोन साइलेंट पे था मेरा। कयामत ही आ गई है। अब भाई हम अस्पताल में, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया उन्हें। क्या, ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? पूरा खानदान यहाँ मौजूद है सिवाय तुम्हारे और जीशान के। सब तरह तरह की बात बना रहे हैं, मैं किस किस को जवाब दूँ? तुम जल्दी से जीशान को कॉल करो, फौरन यहाँ पहुँचो। टाइम निकला तुम्हें लेने के लिए, बस पहुँचने ही वाला होगा, जल्दी आना। लगता है अफान भाई मुझे इसीलिए कॉल्स कर रहे थे और मैंने उनकी कॉल ही पिक नहीं की। शान को पता चल गया उनके जान से मार डालने के। शान फोन उठाए, कौन? आदाइम, तुमने कॉल की थी? सॉरी यार, मैं एक मीटिंग में था। सब खैरियत है? आला जान हॉस्पिटल में ऐसी शान। क्या हुआ अम्मी को? डॉक्टर साहब, मेरी वालदा अंदर है। ये पेशेंट का छोटा बेटा। ओके, देखिए इसमें बहुत मुश्किल कंडीशन है, प्लीज़ आप हमें डिस्टर्ब नहीं करें। Thank you.
डॉक्टर साहब हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? भाई मुझे अफसोस है कि हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। मेरी भी माँ है। आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों आए यहाँ पे? सारे रिश्ते खत्म करके गए थे ना आप? अम्मी ने दुनिया ही छोड़ दी, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी, इनसे कहीं जाए यहाँ से। क्यों आए आप यहाँ पे? ये मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार है, इनकी वजह से मेरी माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मैंने कभी माफ नहीं करूंगी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी भाई, कभी भी नहीं। इसे कहीं जाए यहाँ से, ये जा क्यों नहीं रहे? जाए यहाँ से। क्या हो गया बेटा, इतना रुखसत करोगी ना? ऐसा मत करो, संभालो खुद को। अम्मी की मौत का तमाशा मत बनाओ,
प्लीज संभालो उन्हें सुकून से जाने दो। What are you saying?